हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं इलेवन पॉइंट वन से क्वेश्चन नंबर एट सी क्या लिखा है इन द गिवन फिगर ये एक फिगर दे रखी है पी ओ आर पी ओ आर इज द स्ट्रेट लाइन ये क्या है एक सीधी लाइन है स्ट्रेट लाइन है एंड द रे ओ आर एक रे दी है ओ क्यू सॉरी ओ क्यू रे दी है स्टैंड ऑन इट और पी आर पी ओ आर पे क्या है ओ क्यू एक रे है जो इसके ऊपर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स हमें जो ये गिवन है एक्स की वैल्यू ये फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद ऑल्सो फाइंड एंगल ये निशान होता है एंगल का पी ओ क्यू सॉरी यहाँ पे ओ है पी ओ क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो पी ओ क्यू का है पी ओ क्यू ये एंगल फाइंड करना है एंड क्यू ओ आर क्यू ओ आ ये वाला एंगल फाइंड करना है ठीक है सो क्या करेंगे कि हमें ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है इस पर ये रे निकली है जिससे ये दो एंगल्स बन रहे हैं और इन दोनों का सेम किस जो एंगल का सम होगा विल बी इक्वल टू वन एटी डिग्री बिकॉज दे मेक अ लीनियर पेयर सो स्टार्ट करते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे इन दोनों का सम करेंगे सबसे पहले सो दैट इज़ अ टू एक्स माइनस थर्टी डिग्री प्लस थ्री एक्स प्लस फोर्टी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री और यहाँ पे रीजन लिखेंगे दैट इज अ लीनियर पेयर ठीक है एक लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है वन एटी डिग्री होता है अब देखो इसमें कोई साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है बीच में तो एज इट इज लिखेंगे अब x एंड 2x एक्स एंड थ्री को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये सिमिलर टर्म है तो क्या बन जाएगा 2x एक्स प्लस थ्री एक्स फाइव एक्स अब बच क्या गया प्लस फोर्टी एंड माइनस थर्टी अब आप देख रहे हो दोनों के साइन डिफरेंट हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है जब दोनों के डिफरेंट होते हैं तो हम क्या निकालते हैं डिफरेंस निकालते हैं तो फोर्टी और थर्टी में डिफरेंस कितना है टेन का और साइन किसका बड़ा है किसका वैल्यू ज़्यादा है फोर्टी की तो हम साइन लगाएंगे बड़े वाले का प्लस फोर्टी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो फाइव एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे टेन को मूव करेंगे वन एटी डिग्री लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ अ पॉजिटिव सो राइट हैंड साइड इट विल कम नेगेटिव सो फाइव एक्स इज इक्वल टू वन एटी माइनस टेन वन सेवेंटी डिग्री दे फॉर एक्स किस किस को इक्वल हो जाएगा 170 डिग्री अपॉन फाइव आ जाएगा डिवीजन में फाइव थ्री इज फिफ्टीन टू फोर So, x एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, so, so, हम है, है, so, तो हम है हमारे पास थर्टी फोर डिग्री अब हमें फाइंड करना है पी ओ क्यू सो इधर फाइंड करते हैं सो लिखेंगे हम एंगल पी ओ क्यू पी ओ क्यू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थर्टी ये दिया है ना पी ओ क्यू दिया है टू एक्स माइनस थर्टी सो टू एक्स माइनस थर्टी तो इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स आया हमारे पास थर्टी फोर माइनस थर्टी थर्टी फोर इंटू टू इज इक्वल टू फोर टू जा एट थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस थर्टी जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थर्टी एट डिग्री दे फॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू थर्टी एट डिग्री राइट अब हम ये वाला फाइंड करते हैं क्यू ओ आर सेकेंड पूछे ना क्यू ओ आर ना एंगल क्यू ओ आर किसके बराबर है थ्री एक्स प्लस फोर्टी थ्री एक्स प्लस फोर्टी इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे सी थ्री ये इसका मतलब होता है थ्री एक्स का मतलब होता है ये थ्री इंटू एक्स है ठीक है सो इन का साइन लगा दिया एक्स की वैल्यू है हमारे पास थर्टी फोर प्लस फोर्टी थ्री को थर्टी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हंड्रेड एंड टू प्लस फोर्टी जब एड करेंगे तो क्या बन गया टू फोर वन वन फोर्टी टू सो आंसर आ गया एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू वन फोर्टी टू डिग्री सो एक एंगल आ गया थर्टी एट डिग्री एक आ गया वन फोर्टी टू डिग्री जब इन दोनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा वन एटी डिग्री ओके स्टूडेंट्स सो ऑल दिस अबाउट द क्वेश्चन नंबर एट फॉर नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट सोन। बाय